आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी से आलू के पकौड़े। तो जिसके लिए लेंगे हम 3 आलू। ये मैंने 3 बड़े आलू लिए थे और उसे कद्दूकस कर लिया था इस तरीके से, और बिल्कुल इसे ड्राई कर लिया था, बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया था, ज़रा सा भी इसमें बूंद भी पानी नहीं था। और उसके बाद हम इसे बाउल में डाल देंगे और इस तरीके से ड्राई होने चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, ये 3 हरी मिर्च थी बारीक चॉप की हुई, और ये थोड़ा सा गार्लिक, लहसुन की कलियाँ थी 2-3, इसे भी बारीक बारीक काट लिया था हमने। और उसके बाद डालेंगे कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, और 1 चम्मच और डालेंगे, 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डालेंगे। और इसके बाद डाल देंगे नमक, 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसके बाद डालेंगे कुछ पिंच गरम मसाला, और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी अजवाइन। और उसके बाद डालेंगे बेसन 2 चम्मच, ये 1 और 1 चम्मच और डाल देंगे इसमें बेसन, ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसे मिक्स करेंगे, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में से फिर भी पानी छूटता है चाहे आप कितना भी ड्राई कर लें। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब तो। अब क्या करेंगे, ऑयल गर्म कर लेंगे हाई हीट पर बहुत अच्छे से, और उसके बाद और फिर हम एक एक करके सारे पकौड़े इसमें ऑयल में डाल देंगे। आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं और आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें इसे फौरन बनाना है, इसे रखना नहीं थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि अगर हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए तो इसमें बहुत सारा पानी छोड़ देगा, एकदम ही पतला हो जाएगा। तो फिर हमें इसे एकदम जल्दी जल्दी फटाफट से बना लेना है, और इस तरीके से इसे पलट पलट के सबको क्रिस्पी होने तक, लाइट ब्राउन होने तक इन्हें पकाना है, और इसी तरीके से सारे बना लेने। और ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, और बाकी सारे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये हमारे आलू के पकौड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।